भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप जिस तेजी से बढ़ रहा है उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा। भारत में कोरोना संक्रमित मामले बढ़कर 50,000 के पार हो चुके हैं। हैरान कर देने वाली बात ये है कि भारत में केवल 99 दिन में 50,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। भारत में पहला केस 30 जनवरी को सामने आया था, जिसके बाद मरीजों की संख्या 10,000 होने में 75 दिन लगे और अगले 10,000 मरीज 7 दिन में बढ़ गए। इसके बाद आंकड़ा 20,000 से 50,000 तक 17 दिन में पहुंच गया। वहीं इतनी तेजी से कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना मामले वाले देशों में भारत अब 16वें स्थान पर आ गया है, जबकि अमेरिका पहले, स्पेन दूसरे और इटली तीसरे नंबर पर है। देश के हालातों को देखते हुए तेलंगाना राज्य ने सबसे पहले आगे आकर 29 मई तक लॉकडाउन को अपने राज्य में बढ़ा दिया है। इसी तरह गाजियाबाद में भी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, साथ ही वहां धारा 144 भी लागू कर दी गई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि देश में 11 ऐसे राज्य हैं जहाँ कोरोना के 1,000 से ज्यादा मामले पाए गए हैं। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के नाम शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 15,000 कोरोना वायरस के मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। यहां देश के कुल संक्रमितों का 30% मामले हैं। आगे भी अगर ऐसे हालात रहे तो निश्चित तौर पर पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।